मेरा नाम देवदत्त कुमार सिंह, पिता का नाम श्री अनुपलाल प्रसाद सिंह, मैं शेर चकला पंचायत का किसान हूँ। हम लोग जो धान की खेती करते हैं और उसको हार्वेस्टिंग से कटाई करने के बाद शेष जो बचा हुआ राशि खेत में रहती है उसको फिर काट के उखाड़ के ले आता हूँ, या उसको जो है हम अपने मवेशी के चारे के रूप में उपयोग करता हूँ, और अन्यथा उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं। इसको जो है जलाना नहीं चाहिए, जलाने से जो है खेत की उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म होती है, उसमें जो हमारे मित्र जीव होते हैं जो वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण फसल का पैदावार भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो जलाने के बाद हमारे वायुमंडल जो है वो प्रदूषित होते हैं, जिससे जो है अनेक तरह के बीमारी का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यही सब जो है हम किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो धान का पुआल हो या किसी भी तरह का पुआल हो जो हम खेत में जलाते हैं, उसको कभी नहीं जलाना चाहिए। उसको जो है अवशेष के रूप में जमा करके उसको जो है सड़ा के उसको हम खाद में उपयोग कर सकते हैं, या मिट्टी पलटने वाले हल से जो है उसको मिट्टी में दबा के उसको जो है हम जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो मेरे खेत में कटा हुआ फसल का धान का अवशेष हुआ उसको हम एक पंजा टाइप का जो होता है उससे जमा करके एकत्रित कर लेते हैं। उसको जो हम जो गोबर का जहां रखते हैं उसके नीचे डाल के उसके ऊपर गोबर डाल के हम उसमें जो है केचुआ छोड़ देते हैं, जो सर के जो है जैविक खाद के रूप में हम अपना खेत में प्रयोग करते हैं। उसके बाद जिस खेत में जो है मतलब उस पुआल को हम जमा नहीं कर पाते हैं, जो है हैप्पी सीडर मशीन से जो है धान गेहूं की बुआई कर देते हैं या मक्का की बुआई कर देते हैं, लेकिन हम अपने फसल अवशेष को खेत में कभी नहीं जलाते, जिसके लिए हम लोगों को जो है आत्मा से खगड़िया आत्मा से जो है इसके बारे में प्रशिक्षण भी मिला है, और आकर जो है यहाँ हमारे पंचायत में गांव में आकर बराबर बताते भी हैं, हमारे किसान वैज्ञानिक बराबर यहां आते रहते हैं। फसलों के इन अवशेषों धान के पुआल खूंटी भूसा आदि से हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में गोबर के साथ इनका प्रयोग कर हम खाद बना सकते हैं। वहीं किसान भाई अगर फसल कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं तो फसल कटाई उपरांत बचे अवशेष पुआल भूसा आदि को जलाने की बजाय हैप्पी सीडर मशीन से गेहूं की बुआई करें, वहीं खेत की सफाई के लिए बेलर मशीन का उपयोग करें। फसल अवशेषों का उपयोग मल्चिंग में भी किया जा सकता है, जिससे खेत की नमी बनी रहती है और सिंचाई जल की भी बचत होती है। इन सब उपायों को अपनाकर हम अधिक लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा इन यंत्रों पर अनुदान भी उपलब्ध है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं।